इस मुकाबला शुरू होने का इशारा। स्वर्गीय वासुदेव धाऊ मोकल स्मृति ट्रॉफी 2020 में स्वागत। पहली ओवर विंध्यनी क्रिकेट टीम से पहली रिवर्स शॉट, स्विच हिट जिसको कहा जाता है, गेंद सीमा रेखा का चुंबन लेने के लिए और दर्शकों में जाती हुई गेंद दर्शन लेने के लिए चार रन के साथ खाता खुलता हुआ वड़गांव क्रिकेट टीम का। दीपेश ने खाता खोला है चार रन के साथ, फैक से स्वागत। ये गलती की, लेकिन बड़ा गेंदबाज है, वापसी करना जानता है। इस समय में समाधान पाड़ेल प्राचार्य का काम करजत विद्यालय में करते हैं, लेकिन इस समय में मैदान के अंदर ये देखिए जड़ में डाली हुई गेंद, गेंद को ड्राइव किया, गेंद जाती हुई मिड विकेट क्षेत्र में। एक रन तो पूरा, दूसरी की कोशिश, लेकिन एक रन से ही संतुष्टि। टीम का टोटल 5 रन स्कोरबोर्ड पर। ये दूसरा सेमीफाइनल केवाले और विंध्यनी टीम, इनको आदत लग चुकी है विकेट हैट्रिक के लिए ₹1000 का इनाम। रवि भाई इनके माध्यम से दिया जाएगा। फुल टॉस के नतीजा, वाह क्या कमाल का कैच ऑफ द टूर्नामेंट जिसको कहा जा सकता है, क्या कमाल का कैच ऑफ द डे जिसको कहा जा सकता है। ज्यादा यहां पर मीटिंग ना करे, तुरंत तुरंत फील्डिंग की रचना करे टीम के कप्तान समाधान जी। जहां पर सूरज नवाले ने कैच लपका, क्या कमाल का यहां पर कैच, वाकई बेहतरीन। फील्डिंग का स्तर उच्चतम नजर आ रहा है और एक बड़े हिट को बचाया और टीम को एक बेहतरीन विकेट अपने नाम पर करने दी। इस समय में लगता हुआ ये पहला सदमा वड़गांव क्रिकेट टीम को। नए खिलाड़ी देवीदास गड़गे गेंदबाजी के लिए समाधान पाड़े लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट वाली एक्शन की गेंदबाजी करते हुए इस समय में तैयार। हो एक और बड़ा स्ट्रोक उसी इलाके में, शानदार कैच, क्या कमाल का सरे फील्डिंग का, काबिले तारीफ, जोरदार तालियां होनी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए, बेहतरीन दो कैचेस। अब एक और विकेट निकालते तो ₹1000 का इनाम। रवि भाई इनके माध्यम से दिया जाएगा, ₹1000 हमारे पास जमा है। नो यहाँ पर एटीएम खुले कर दे, कोरोना का यहाँ पर प्रादुर्भाव होने के बावजूद भी, आर्थिक तंगी होने के बावजूद भी, ये क्रिकेट के ऊपर प्यार और पैसे ऐसी चीज है जो लालच मन में भर देती है और लालच क्रिकेट में रनों के लिए और पैसों के लिए बहुत बुरी बला है। और ये देखना होगा मैदान के अंदर खेल अब किस तरीके का बनता है, जहां पर पूरी तरीके से दो गेंदों में दो विकेट, दो सलामी बल्लेबाज लौटाने में कामयाब रहे अभी तक गेंदबाज समाधान पाटिल। एक बड़े गेंदबाज है, अनुभव एक्सपीरियंस खिलाड़ी क्यों होना चाहिए, हमने शुरुआती से बताया है कि एक्सपीरियंस क्या होता है। अनुभव जिंदगी का बहुत बड़ा अध्यापक होता है और यही अध्ययन सिखाते हुए मैदान के अंदर गेंदबाज। एक और फुट टॉस गेंद, इस गेंद को ड्राइव किया, गेंद जाती हुई मिड विकेट क्षेत्र में, गेंद को उठाए सूरज नवाले के माध्यम से, यहां पर गलती जरूर, लेकिन अच्छी फील्डिंग, कमबैक किया और एक ही रन टीम का टोटल अब एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन स्कोरबोर्ड पर बनता हुआ। अभी तक इस ओवर की अंतिम गेंद शेष, पहली गेंद के ऊपर चौवा, दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल और लगातार दो गेंदों के ऊपर दो विकेट चटकाए और ये गेंद अब एक सिंगल, टोटल 6 बने दो विकेटों के नुकसान के बाद। वड़गांव क्रिकेट टीम सूर्य भगवान अस्त की ओर जाता हुआ दिन के उजाले में ये मुकाबले होते हुए नजर आ रहे। फिर से एक बार तैयार विंध्यनी टीम, आपको ही तकलीफ हो सकती है बाद में ज्यादा वक्त जाया करेंगे तो। रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, कदम ताल जरूर किया था और ओवर की हुई समाप्ति। पहले ओवर के समाप्ति के बाद, पहली गेंद के ऊपर चौवा खाने के बाद अच्छा कमबैक किया गेंदबाज समाधान पाटिल ने और टीम का टोटल 6 रन दो विकेटों के नुकसान के बाद। मैदान के अंदर जो टू व्हीलर चल रही है, अभी वक्त नहीं है भाई। बिल्कुल नवीन सेवा और टाके गांव के मैदान के ऊपर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है ये मरुआई विंध्यनी क्रिकेट टीम, लेकिन इस मैदान के अंदर ये बड़ा मंच है, अगर मंच के ऊपर अच्छा काम करेंगे तो बनेंगे सरपंच। और केवाले टीम आपसे छूटी नहीं है, गए नाइट टूर्नामेंट में भी आपसे ही भिड़त हुई, अब भी मौका है आपके पास ये मुकाबला जीतने के बाद केवाले टीम के सामने लड़त देने के लिए। फिर से एक बार तैयार आप गेंदबाजी के लिए आ चुके गेंदबाज सूरज, ओवर द विकेट का मारा, सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार बल्लेबाज देवीदास गड़गे। इस बार उछलती हुई गेंद, ये इनका खास तौर पर ये अच्छी गेंदबाजी, ये ब्रह्मास्त्र है इनका और इनकी खासियत यही है, गेंद को टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा फ्लाइट देते हैं और गेंद में टर्न करते हैं गेंद को, और यही खासियत। और ये समझ नहीं पाया
शुरुआती के शुरुआत में से जब से खेलते आए हैं तब से अभी तक बल्लेबाजों को समझ नहीं आई है गेंद। ओवर द विकेट ड्राइव की बैक टू द बॉलर, शानदार फील्डिंग, क्या कमाल का ये स्ट्रोक था। पानी क्यों सा पानी तुरंत उठे, ये है मैं मैदान के अंदर ना दाखिल हो, यहाँ पर रिकवर हुआ तुरंत, बिल्कुल यहाँ पर ज्यादा वक्त जाया ना करे इसी के कारण ये चाहते। अब यहाँ पर इस समय में टीम का टोटल वही के वही रुका हुआ 7 रन स्कोरबोर्ड पर। अगर एक बड़ा टोटल बनाना है जिसे केलर ने टीम के सामने रखा है, 20 रन 2 ओवर में खड़े होने जरूरी है। ये 2 ओवर का खेल कारण यही है कि लेट क्रिकेट। इस बार तैयार गेंदबाजी के लिए ओवर द विकेट, हो इस बार हेलीकॉप्टर लुक देने की कोशिश, ड्राइव किया गेंद को यहाँ पर मिड ऑफ के मिड ऑन के रीजन में, 1 रन तो पूरी दूसरे के लिए है। और गीतेश जोशी की ये गलती विकेट कीपर के माध्यम से 2 रन बल्लेबाजों ने चतुराई के चुस्ती और फुर्ती के साथ पूरी के, और 2 रनों के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ 9 रन कुल मिलाकर बन चुके हैं। 2 विकेट का नुकसान हो चुका है पूरी तरीके से। अब यहाँ पर आक्रामक होना पड़ेगा, आक्रमण करना होगा वडगांव क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों को, जहां पर जीतू मात्रे स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए। इस ओवर के 3 गेंद शेष, बड़ा हिट इस बार देखिए मिड ऑफ के ऊपर से, शानदार फील्डिंग वहां पर की, जहां पर विंधनी टीम का स्तर फील्डिंग का काफी बढ़िया, और विकेट कीपर की फिर से एक बार थोड़ी सी खराब प्रदर्शन, और टीम का टोटल फिर से एक बार 2 से आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर रन बन चुके। अब 11 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 गेंदे शेष है, आक्रमण करना ही होगा, जोखिम अब इस 2 गेंदों में उठानी होगी। एक बड़ा हिट आएगा तो मेरे ख्याल से एक सम्मानजनक टोटल हो सकता है इस मैदान के अंदर, लेकिन ये 7 अब वातावरण देगा। बिल्कुल 11 रन बन चुके, लेकिन इस समय में 11 रन महत्वपूर्ण कारण यही है, ठंडा वातावरण, गेंद भाग नहीं रही है, जो फ्लाइट मिलनी चाहिए, जो हवा में गेंद टहलनी चाहिए वो नहीं हो रही है। ये देखिए अब अंपायर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, अंपायर ने लीगल डिलीवरी साबित की, और रुका हुआ टोटल पूरी तरीके से धाराशाही, पहले से ही फुटवर्क किया, गेंद उसी दिशा में जाते हुए, और नजर आता हुआ मैदान के अंदर का खेल। फिर से एक बार अंतिम गेंद, पहले सत्र की गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट जीतू मात्रे, बल्ला उठा जरूर था लेकिन सही टाइम नहीं कर पाई। देखिए स्ट्राइक एंड के फील्ड बल्लेबाज कितने तेज तरीके से दौड़े और एक ही रन कर पाए, और ये रनआउट मिलता हुआ 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके, 13 रन इस समय में इस परिस्थिति में एक अनुकूल टोटल कहा जा सकता है, क्योंकि इस टोटल को बचाया भी जा सकता है। मैदान के अंदर वातावरण पूरा ठंडा हो चुका है, अब थोड़ी देर में ओस गिरती हुई नजर आएगी और इसका बेनिफिट सामने वाले टीम, ये देखिए वड़गांव टीम तुरंत मैदान के अंदर दाखिल होते हुए नजर आ रही, वो जानते हैं वक्त को किस तरीके से यहाँ पर आगे जाना जरूरी होता है, क्योंकि वक्त को रोकने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ और पैदा भी नहीं होगा, क्योंकि ये दुनिया जरूर घूमती रहती है और वैसे ही दुनिया गोल है, इसीलिए सब कुछ झोल है, और वैसे ही मैदान के अंदर वैसा ही क्रिकेट हो सकता है झोल वाला, कभी भी 12 गेंदों में 13 रन को बचाया भी जा सकता है या 2 गेंदों में ये खेल खत्म हो सकता है। अगर 2 गेंद में खेल खत्म होता है तो मजा हमें भी आएगा, वक्त बचेगा हमारा, लेकिन दर्शक चाहते हैं कि मुकाबला बिग फाइट की तरह होना जरूरी होता है, पैसा वसूल। में पिछले जो सेमीफाइनल के मुकाबले हुए काफी बढ़िया हुए, लेकिन इस समय में बचाने के लिए बचेंगे तो और लड़ेंगे, बचने के लिए आपको भरसक प्रयास, ऊंची उड़ान वही उड़ते हैं जिनके पंख बड़े होते हैं और हौसले उनके बुलंद हो। अंपायर स्पीड अप करे और वड़गांव टीम शॉर्ट मीटिंग लेकर तुरंत फील्डिंग की रचना करे, एक और फाइनल का मुकाबला खेलना बाकी है। केवाले टीम पहुंच चुकी है, यानी कि गणेश पारवे की टीम पहुंच चुकी है, शायद केवाले टीम के सपोर्टर्स यानी कि रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के एक बेस्ट स्कोरर कांचन पालकर अभी इलेक्शन में चुनाव में खड़े हैं, और वो जानते हैं आचार संहिता लग चुकी है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आए। सरपंच शायद बन सकते हैं, बड़ा मंच और बनेंगे सरपंच। अब इस मैदान के अंदर कौन सरपंच होगा, कौन पहले नंबर के ट्रॉफी को छुएगा, ये देखना होगा। अभी अभी बिल्कुल वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट के माध्यम से जो दर्शक जुड़े हुए हैं
उन तमाम दर्शकों का स्वागत, राहुल उर्वेकर एंड टीम्स, हमारे साउंड मास्टर मामा इनका स्वागत, और हमारा जिन्होंने चार दिन बिल्कुल ख्याल रखा हुआ आयोजककर्ताओं का स्वागत, हमारे साथ कॉमेंट्री बॉक्स में जुड़ने वाले अब दिग्गज कॉमेंटेटर उनका भी स्वागत करना चाहेंगे, हमारे जैसे नाचीज कॉमेंटेटर को यहाँ पर मौके मिलते हुए। तो फिलहाल अब मैदान के अंदर कॉन्सेंट्रेट करते, 12 गेंदे और 13 रनों की आवश्यकता जीत के लिए, और स्कोरर हमारे यहाँ बिल्कुल महेंद्र दादा, इनका भी स्वागत करना जरूरी है, और भावेश ठाकुर का जैसे जैसे वक्त मिलता है मदद वो भी करते हैं, लेकिन फिलहाल मैदान के अंदर खेल अब बनता हुआ नजर आ रहा है। विंदर ने टीम तुरंत यहाँ पर आप उतरे बल्लेबाजी करने के लिए, स्ट्राइक एंड के ऊपर आ चुके हैं आकाश पाटिल, कल के परसों के बड्डे बॉयज रह चुके हैं, और नॉ स्ट्राइक एंड के ऊपर योगेश, गेंदबाजी के लिए बड़गांव क्रिकेट टीम के तरफ से गेंदबाज उतर चुके हैं कुणाल, देखना होगा एक कसावट भरी गेंदबाजी, नफी तुली गेंदबाजी करनी होगी इस समय में। अब आकाश पाटिल ओवर द विकेट कमारा लेकर आ चुके हैं, गेंदबाज कुणाल दौड़ना शुरू हुए, फील्डिंग की विरोचना बदल दी हुई, दो ओवर का खेल इस समय में, फाइनल का एक और मुकाबला बाकी है। ओवर द विकेट, पहली गेंद यहां पर बड़ा हिट खेलने की कोशिश, ड्राइव की, स्टीयर की, गेंद को लॉन्ग ऑन क्षेत्र में जाती हुई गेंद को उठाए फेंके, बल्लेबाजों ने छोर बदले, सिंगल को पूरा किया, सिंगल के साथ खाता खुलता हुआ विंदर क्रिकेट टीम का और आकाश पाटिल का भी। इस दो ओवर के खेल में जहां पर जो टैलेंट है वो दिखता नहीं है, और इसीलिए हम क्यों कहते हैं कि जल्दबाजी करें खेल में तभी खेल दिखेगा। केवल क्रिकेट टीम के कप्तान आप यहां पर हाजिर रहिए, इस बीच तैयार ओवर द विकेट, बिल्कुल जड़ में डाली थी, हेलीकॉप्टर लुक दिया है, गेंद डाउन द ग्राउंड गेंद को खेला जा चुका है, एक सिंगल को पूरा किया, सिंगल डबल से ये टोटल भी बनाया जा सकता है, लेकिन एक आध दूसरा बड़ा स्ट्रोक वक्त बचाया जा सकता है। दो रन स्कोर कार्ड के ऊपर पूरी तरीके से जड़ में डालते हुए नजर आ रही है, ऑन द टोज वाली गेंद, ब्लॉक हॉल वाली गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे, बल्लेबाज से थोड़ी सी दूर रखने की कोशिश कर रहे गेंदबाज। ये देखिए ये अच्छी गेंद, बिल्कुल धुआं उड़ाने वाली ये गेंद थी, एक रन तो पूरी मिस फील्डिंग विकेट कीपर की, नतीजा एक बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ एक रन को पूरा किया, और इसी एक रन, एक एक रन इस समय में महत्वपूर्ण है, एक गलती 25,000 50,000 75,000 रुपए का घाटा करेगी। अब इक्वेशन कैलकुलेशन चलता हुआ पैसों का, जो खिलाड़ी सब कुछ है बिल्कुल, लेकिन जो जितने मैन ऑफ द सीरीज या कूलर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, बिल्कुल अब यहां पर खेल बन रहा है। फुल टॉस गेंद, ड्राइव कर दी गेंद को फिर से एक बार डाउन द ग्राउंड, वी शेप में मिस फील्डिंग, मिस फील्डिंग का नतीजा दो रन बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ पूरी के, और दो रनों के साथ टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए नजर आ रहे 5 रन। अब यहां पर केवाले क्रिकेट टीम के कप्तान अब यहां पर हाजिरी लगाए, 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 8 रनों की आवश्यकता, हमारे मेहमान यहां पर आते हुए शेयर्स खाली रखे, उनका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। इस बार गेंद को फिर से एक बार खेल दिया है मिड विकेट क्षेत्र में, एक रन तो पूरी, दूसरी की कोशिश चल रही है, लेकिन फिलहाल एक से ही संतुष्टि, टीम का टोटल 6 रन स्कोर बोर्ड पर बन चुका है यहाँ पर। अभी तक इस ओवर की बात करेंगे तो अभी तक अंतिम गेंद शेष, ज्यादा कोई बड़ा हिट खेलने के लिए मौका नहीं दिया गेंदबाज कुणाल ने अभी तक नफी तुली, अगर 15 से 17 रन अगर होते तो शायद और मजा आता देखने के लिए, लेकिन 13 रनों का टारगेट है दो ओवर में। बिल्कुल बड़ा स्ट्रोक, मौका बन चुका है, ओहो शानदार फील्डिंग, एक ही रन दूसरे के लिए पलटने की कोशिश, लेकिन अच्छा थ्रो, कमाल का थ्रो फेंका, और यहां पर एक ही रन, टीम का टोटल स्कोरबोर्ड पर 7 रन। अब जीत के लिए देखिए गेंद और रनों का फासला समांतर, 6 गेंदे और 6 रनों की आवश्यकता, कुछ भी हो सकता है, ये क्रिकेट है दोस्तों। अंधेरा छाता हुआ नजर आ रहा है पूरी तरीके से, सूर्य भगवान अस्त की ओर जाते हुए, लेकिन चलिए स्पीड अप करें वड़गांव टीम, ज्यादा वक्त जाया ना करे, वक्त जाया ना करे, तुरंत अपार तुरंत फील्डिंग की रचना करे, एक और मुकाबला बाकी है फाइनल का। केवाले टीम के कप्तान आ चुके हैं गणेश मोकल, अपना विनंती है एक अजून सामना व्हायचा आहे, लागलीच टीम मीटिंग घेऊ नका, आता लागलीच सामना सुरू करा।
इस समय में तैयार। यहाँ पर 6 गेंदे 6 रनों की आवश्यकता। बल्लेबाज अभी तक सेट बल्लेबाज मैदान के अंदर 6 गेंदों का सामना किया, 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके हैं। कुछ भी हो सकता है इस खेल में। क्या फिर से एक बार अंतिम क्षणों में फाइनल में विंध्य टीम आएगी? केवाले क्रिकेट टीम के सामने इनकी बिग बैटल रह चुकी है लगातार 3 साल और हावी हो चुकी है केवाले टीम। पहले नंबर को छुआ है उन्होंने लगातार 2 साल, तीसरे साल क्या होता है देखना होगा। इस समय में क्या विंध्य टीम जीतकर फिर से एक बार केवाले टीम के सामने बदला लेने के लिए उतरेगी? ये बड़ा सवाल, लेकिन बड़ा सवाल का जवाब इस 6 गेंदों के बाद मिलेगा। गेंदबाजी के लिए तैयार, गेंदबाज ओवर द विकेट। पहली गेंद बिल्कुल बैक टू द बॉलर, गेंद को मौका बन चुका है डायरेक्ट। ओ यहां पर करीबी मामला बन चुका था, लेकिन एक सिंगल को पूरा किया। सिंगल के साथ 8 रन स्कोरबोर्ड पर बन चुके हैं। अब जीत के लिए 5 गेंदे 5 रनों की आवश्यकता है। 1 विकेट 1 डॉट बॉल फिर से एक बार वापसी के कटघरे में खड़ा कर देंगी बड़गर क्रिकेट टीम को। और इस समय में गेंदबाज को कुछ जलवा दिखाना होगा, चमत्कार मिरेकल जिसको कहा जाता है, एक चमत्कार ही दिखाना होगा। चमत्कार को ही नमस्कार मिलेगा इस मैदान के अंदर। कट कर दिया, गेंद को गैप बनाया, जरूरत थी स्ट्रोक की और गेंद यहां पर बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर दंदराता हुआ, सनसनाता हुआ। ये जीतने वाला 14 दागा जा चुका है उनके बल्ले से। अब 4 गेंदे 1 रन की आवश्यकता, स्कोर लेवल हो चुका है, लेकिन कंपलसरी ये क्रिकेट का इस श्रृंखला का नियम है। श्री लक्ष्मी नारायण मित्र मंडल आयोजित साई पुरस्कृत स्वर्गीय वासुदेव धाऊ मोकल स्मृति ट्रॉफी 2020 इतने बढ़िया तरीके से घटता हुआ नजर आ रहा है। अंतिम क्षण आ चुका है, बिल्कुल आखिरी यहां पर 1 रन की जरूरत जीत के लिए। इस बार मौका बन चुका और ये विनिंग स्ट्रोक, विनिंग रन, फिर से एक बार विंध्य टीम जीत ली है और केवाले टीम के सामने बिग फाइट करने के लिए तैयार हो चुकी है। विंध्य ने संघाचा संगना किया, समाधान पाटिल येताना दिसतात, निलेश पाटील येताना दिसतोय।